देख रहे हैं आप, अभी आदेश लाया गया था साथियों, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर पूरे देश से यहाँ पे आप सारे कर्मचारी शिक्षक इकट्ठा हुए हैं और आप देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है, कितना जोश है पुरानी पेंशन को लेके। कैमरा आप कैमरा मैन ये हमारी यहाँ पे मांग है कि जो 2005 से पुरानी पेंशन बंद हुई थी पुरानी पेंशन की जाए, आज इसी मांग को लेके पूरे देश के कर्मचारी यहाँ पे आए हैं और निश्चित ही आपकी और जीत उम्मीद है कि सत्ता में बैठे लोगों को यहाँ की आवाज, यहाँ की धमक जरूर सुनाई देगी। और यकीन मानो यहाँ पे धूप है, गर्मी है, लेकिन हमें पसीना नहीं आ रहा, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को पसीना जरूर आ रहा है कि आने वाले टाइम पे पुरानी पेंशन अगर बहाल नहीं करेंगे तो निश्चित ही उनकी कुर्सी तक मंगाने लगेगी। तो मेरा सरकार से, सत्ता में बैठे लोगों से आग्रह है, हमारी मांग को पूरी करें, पुरानी पेंशन हमें लागू करें ताकि सारे शिक्षक, सारे कर्मचारी, उनका जो भविष्य है रिटायरमेंट के बाद वो पूरा हो। और इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। जय हिंद, जय भारत। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसी रैलियां पहले भी हुई हैं सरकार की तरफ से, क्या उम्मीद, क्या आशा करते हैं आपके, ऐसा कुछ होगा कि पुरानी पेंशन बहाल होगी? बिल्कुल होगा। आज आप देख रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं, देश के शिक्षक हैं, सभी लोग यहाँ एकजुट होकर अपनी मांग को लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं पैर रखने की जगह है। निश्चित ही सरकार को सोचना पड़ेगा, सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर इतने कर्मचारी, इतने शिक्षक हैं, उनकी मांग क्यों ना पूरी की जाए। ऑल इंडिया सर, धन्यवाद।